है बाल मिठाई, और ये मुझे बहुत पसंद है। मुझे क्या, ये तो सभी को पसंद है। ये देखिए, ये बाल आज खाए जाओ खाए जाओ, भगवान के गुण गाए जाओ। कैसी आवाज आ रही थी? नौटंकी, एक नंबर का नौटंकी। ये है देखो, ये ऊपर आई हूँ छत पे, क्योंकि मैं आपको मौसम दिखाती हूँ आज कैसा हो रहा है। चल मैं सुबह, गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। आप लोगों को कुछ नहीं दिख रहा होगा, इस टाइम मैं हूँ मॉर्निंग वॉक पे। 6:30 बजे थे मॉर्निंग के, और एकदम धुंध हो रखी है चारों तरफ। बॉडी मेंटेन करने का बिल्कुल टाइम नहीं है, खाओ पियो सो जाओ यही चल रहा था। तो मैं ना आज के दिन संडे मॉर्निंग में घूमने निकल गया हूँ। अब आप जाके थोड़ा सा फेस दिखना शुरू हुआ होगा, क्योंकि पीछे पेड़ थे तो उसकी वजह से कुछ नहीं दिख रहा था। तो कोहरा बढ़िया वाला हो रहा है, ठंडा हो रहा है। अच्छा, सुबह घूमने का मज़ा अच्छा लगता है, लेकिन आलस इतना भरा हुआ है ना बॉडी में कि सुबह उठ ही नहीं पाता मैं। नहीं तो मैं तो मॉर्निंग में सोचता था जिम भी जाऊँ, लेकिन जिम नहीं जा पाता हूँ मैं। वियान और सिमी नींद का मज़ा ले रहे हैं, और मैंने अपनी नींद ख़राब करी आज, कि थोड़ा वर्कआउट करके आऊँगा बॉडी फिट रहेगी, वरना बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है बॉडी में। पहले भी मेरे को बहुत दिक्कतें चल रही है, तो इसलिए मैंने सोचा आज घूम ही लो। और इस टाइम सुबह सुबह रोड पे एक बंदा नहीं दिखता, एक बंदा भी। पहले, और जहाँ हम पहले गवर्नमेंट क्वार्टर में रहते थे, वहाँ 5-5:30 बजे के बाद जितने गवर्नमेंट क्वार्टर वाले थे मैक्सिमम वो घूमते थे मॉर्निंग वॉक पे, निकलते थे। लेकिन प्राइवेट एरिया है ये जहाँ अब हम रहते हैं, यहाँ कुछ ऐसा कुछ नहीं होता। यहाँ पे दो डॉगी हैं, ये सोच रहे होंगे पता नहीं किससे बात करता हो जा रहा है। ये दोनों देख रहे, देखो मुझे पता नहीं किससे बात करता हुआ जा रहे हैं, पागल समझ रहे होंगे मुझे। हाँ आ जाओ। गाइस, वर्कआउट करके मज़ा आ गया, स्वेटिंग सी हो रही है इस टाइम। मैंने जैकेट नहीं उतारा था क्योंकि मुझे पसीना निकालना था, तो मज़ा आ गया। अब थोड़ा सा रनिंग और करेंगे, एक वर्कआउट हो चुका है, फिर उसके बाद निकलेंगे घर। घर जाके सिमी और को उठाएंगे, ब्रेकफास्ट बनाएंगे आज अच्छा सा, फिर उसके बाद देखते हैं धूप आती है या नहीं आती है। एक दो काम पेंडिंग है वो करवा लेंगे। तो गाइज, मैं आ गया तो घूम के टाइम पे वापस। अभी नहाया धोया नहीं है, लेकिन आने के बाद मुझे थोड़ा सा भूख लग रही थी, तो मैंने अभी कुछ स्पेशल बनाया। स्पेशल क्या बनाया है, बहुत दिन बाद बनाया खुद से। ये बनाया मैंने ऑमलेट, और इसमें सब कुछ अपना आइटम जो भी डलते हैं वो सब डाले। अब इसे ब्रेकफास्ट करने के बाद, ये और दूध लेने के बाद, फिर आधे घंटे बाद कुछ स्पेशल बना लूँगा। तो आज मैंने सोचा चाउमीन बना लेता हूँ, और फिर थोड़ी देर बाद नहा के जाएंगे बुलेट के शोरूम। आज बाइक वॉश करवानी है, और उसके ब्रेक में थोड़ी सी आवाज़ आ रही है, वो ठीक करवाते हैं। जैसा आप देख रहे हो कि मैं स्पेशली व्लॉग करने के लिए ऊपर आई हूँ छत पे, क्योंकि मैं आपको मौसम दिखाती हूँ आज कैसा हो रहा है। चल मैं सुबह आई थी, मैं तब ज़्यादा था, और अब थोड़ा सा कोहरा कम हो गया, पर आज बहुत ज़्यादा ठंडा हो रहा है। और व्यान की तबीयत ठीक नहीं है, पर फिर भी मैं उसको लेकर आई हूँ, क्योंकि मैं अकेली हूँ, तो थोड़ा सा व्लॉगिंग करनी थी और आपको मौसम दिखाना था कैसा है। ये आज मौसम हो रहा है, और अभी फैब स्टार्ट हो गया, फिर भी ऐसा मौसम हो रहा है उत्तराखंड में कि दूर दूर तक कुछ नहीं दिख रहा है। और ये देखो, और मैं घूम रही हूँ तो मेरे मुंह में मतलब ओस पड़ रही है। ये देखो कितना अच्छा मौसम हो रहा है। ये कोशिश कर रहा है यहाँ से रेलिंग में, सामने कहीं पूजा हो रही है। तो मैं आपको दिखाती हूँ कि किचन कितना सड़ा रखा है। दो ऑमलेट बनाया और किचन देखो गाइस, दो ऑमलेट में किचन को इतना सड़ा दिया है। ये देखो, ये देखिए, हर चीज़ कहाँ कहाँ फैली हुई है। तो तो बना बताओ, दिया अब ये सब मेरी मैं जिम्मेदारी उठ है। गया, और उठते उसको रिमोट चाहिए होता है, तो रिमोट हमने इसको पुराने वाला दे रखा है जिसमें सेल नहीं है, और इसका ब्रेकफास्ट बन सबको रहा है। जय कर दो, जय कर दो, गुड मॉर्निंग कर दो, वियान जय कर दो, जय कर दो सबको। और
जीते रहो, वेरी गुड मेरा बच्चा। आज बन रहा है सेकंड ट्रिप में ब्रेकफास्ट एक और। आज खाए जाओ भगवान के गुण गाए जाओ। बना रहे हैं आज कुछ चाइनीज है, हमारा ऑयल है, हमारे वेजिस, और ये एक मेरा बच्चा बहुत परेशान करता है मेरे को। ये देखो टोपा भी निकाल दिया बच्चा बहुत ना अपना। ये तैयार हो गई हमारी चाउमीन। एक्चुअल में हमारे यहाँ बन गया चाउमीन, चिंग चाउमीन। तो वीनू और वीनू के पापा ने ब्रेकफास्ट में आज पहले ऑमलेट बनाया था और अब बनाई है चाउमीन। ये देखिए, और सिमी चुपचाप अकेले अकेले चाउमीन खा रही है। अब बहुत ज्यादा यम्मी बनी है, बहुत ज्यादा टेस्टी, मजा आ गया। अच्छी अरे चलो भाई, बहुत टाइम बाद बनाई लेकिन अच्छी बनाई। चलो इतनी तो खुशी हुई, तारीफ हो गई वीनू हमारी। अच्छा जय कर दो सबको, वीनू सबको जय कर दो। जय। देखो ड्रामा कैसे कर रहा है, पटाखों की आवाज आ रही है तो ये डरता है। आंखें देखो कैसे बंद करके लेटा है ये। कैसी आवाज आ रही थी? नौटंगी, एक नंबर का नौटंगी। ये देखो इसके हाल बच्चे के। क्या हुआ, आईज क्लोज क्यों कर रहे हो व्यान? क्या हुआ? तो क्या आज हुआ? हम बना रहे हैं अचार। तो फर्स्ट टाइम क्या, सेकंड टाइम ट्राई कर रही हूँ मैं। तो एक बार मैंने पहले बनाया था, तो अभी मम्मी और गांव गए हैं तो हमारा मन है खाने का, वो आएंगे लेट, तो सोच रही हूँ मैं खुद ही डालूँ। फ़ोन करके वाई, मैंने हम वाई, मैं हाँ हमने फ़ोन करके पूछ लिया उनसे कैसे बनाना है, तो उन्होंने बोला है सिंपल तरीके से बनाना है, तो उसी तरीके से हम बना रहे हैं। तो वीडियो करते करते व्यान का खाना भी बन रहा है, गैस देख रही हूँ कभी जल ना जाए। तो आज संडे वाले दिन में मैंने आर्यन को पूरा लगाया हुआ है, ये काम करने पड़ रहा है संडे के दिन, इसलिए छुट्टी होनी नहीं चाहिए। नहीं छुट्टी होनी चाहिए, चाहिए कि हाउस वाइफ को बिल्कुल आराम मिले ऐसे बच्चों से जो परेशान करते हैं उसको इधर से उधर। अच्छा आपको भी हेलो करना है, हाय कह दो। हाय बच्चों, मेरे बच्चे की बहुत ज्यादा तबीयत खराब हो रखी है, तबीयत नहीं मतलब इसको कफ हो रखा है तो सोने में ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है, तो सोचे मुझे रात भर इसके साथ उठना पड़ता है। बन रहा है अचार का मसाला वसाला सब ये इंग्रेडिएंट्स हैं, जब डल जाएगा, जब बन जाएगा डब्बे में डल जाएगा तो ही मैं आपको दिखाऊंगी सारा। तो गाइस पापा और घर आ गए हैं वापस, पापा और गाँव गए हुए थे तो आज आए वापस, और वीनू एकदम से खुश हो गया था पापा और को देख के। मैं तो उस टाइम ऑफिस था, सिमी बता रहे थे कि बहुत खुश हो गया था, और पापा और हमारे लिए कुछ स्पेशल लेके आए, जो अल्मोड़ा की बहुत अच्छी फेमस मिठाई है वो लेके आए। मैं आपको दिखा देता हूँ, इसको बोलते हैं बाल मिठाई, और ये मुझे बहुत पसंद है, मुझे क्या ये तो सभी को पसंद है। ये देखिए ये बाल मिठाई, और अब 2-3 दिन तक इसे आराम से खाया जाएगा क्योंकि ये जल्दी से ख़राब नहीं होती। और ये देखिए मम्मी पापा के आने के बाद वीनू कितना खुश है। वीनू आवाज लगाओ दादू को, वीनू दादू को आवाज लगाओ। व्यू ऊपर आने के बाद वीनू अपनी गाड़ी से खेल रहा, दादा दादू को पहले तो पूरा खेल रहा था। ओ वो गिर गई आपकी गाड़ी, पहले तो पूरा एक्साइटेड हो रखा था। वो देखो दादी क्या दिखा रही, देखो दादी अपनी साड़ी दिखा रही, वो देखो जाओ 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 जल्दी जाओ, डुगुर 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 दादी पास जाओ, दो दादी का दे दो, दे दो आवाज लगाओ, अच्छा आवाज लगाओ बुबू को। ये विनू अपने दादू के साथ खेल रहा है। हाँ ये विनू अपने दादू की गोद में सबसे पहले बैठता है, पेन निकाला होगा इसने। इधर आओ इधर आओ इधर आओ, पेन से क्या करते हैं, पेन से क्या करते हैं, वो खोल दिया पाओ पेन, दे दे क्या हो दादू को, दे क्या हो पापा इसकी ये। पहले ले लो, सोने से पहले नौटंकी स्टार्ट हो जाती है विनू की, ये रोएगा भी और खेलेगा भी कूदेगा भी। बेटा अभी तो मालिश भी होनी है, ऐसी थोड़ी ना मम्मा छोड़ रही है, मेडिसिन भी खानी है, दूध भी पीना है, क्या क्या करवाओगे। तो गाइस मिलते हैं अब आपको नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय बाय। विनू बाय कर दो, गुड नाइट बोलो विनू, गुड नाइट, इधर करो इधर, गुड नाइट बोलो, बाय बाय कर दो, बाय, पारी कर दो पारी कर दो पारी कर दो जल्दी पारी करो।